हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों के लिए बड़े इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे कि 12वीं के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे ले आ सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा अंत तक देखना होगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बता दूँ कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 का BSB 12वीं फिजिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे ले आ सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स को हेल्प भी करिएगा, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस, यहां पर देख सकते हैं, आप लोगों को बता दिया जाए कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 भौतिकी का सिलेबस, जी हां दोस्तों, भौतिकी का सिलेबस पहले जैसा ही रहेगा। उत्तर देने के पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस विकल्प वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, विकल्प वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। हिंदुस्तान कार्यालय में आयोजित इंटर परीक्षा की टेली काउंसलिंग में, जी दोस्तों, काउंसलिंग में प्रो शंकर कुमार, जी हाँ दोस्तों, शंकर कुमार ने छात्रों को टिप्स देते हुए ये जानकारी दी है कि पटना साइंस कॉलेज के भौतिकी विभाग के सह आचार्य प्रो डॉक्टर शंकर कुमार ने माने तो बिहार बोर्ड ने भौतिकी विषय वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है। ठीक है, लेकिन छात्रों को उत्तर उतने, जी हाँ दोस्तों, उत्तर उतने ही प्रश्नों का देना है जो अब तक छात्र देते आ रहे हैं। और इसमें बता दिया जाए कि प्रो कुमार की माने तो 35 वस्तुनिष्ठ, 2-2 अंक के 10 लघु उत्तरीय और 5-5 अंकों के 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान प्रश्नों को लेकर छात्र कई सवाल कर रहे थे, इसका उत्तर देते हुए प्रो शंकर कुमार ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को देखते हुए बिहार बोर्ड ने सिलेबस में कटौती नहीं की है, इस कारण सारे चैप्टर से प्रश्न आएंगे। जी हाँ, सारे चैप्टर से प्रश्न आएंगे, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रो शंकर कुमार ने कहा कि कई चैप्टर हटाया नहीं गया है और इस कारण हर चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, आपकी जिसमें रुचि हो उसे ही अच्छे से तैयार करें और हर दिन लिखें न्यूमेरिकल से फार्मूला, बेस्ट प्रश्न रहेंगे, सारे फार्मूले को रट लें, उसे लिखकर अभ्यास करें। और उन्होंने छात्रों को 5 साल के मॉडल पेपर, 10 साल के प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार करने की सलाह दी है। तो गाइज, इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को इसी तरह यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और बेल आइकन वाली घंटी को दबाना ना भूलें क्योंकि नोटिफिकेशन उसी तरह का आएगा आपको। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, घास का नियम व उसके प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, उसके प्रयोग, उपयोग, विद्युत विभाग व विद्युत क्षेत्र की गणना, और देख सकते हैं संगणक की धारिका का व्यंजक, समतुल्य लेंस की फोकस, दूरी व स्थिति की गणना, दूरबीन व दूरस्थिर, देख सकते हैं दूरदर्शी में प्रतिबिंब का आरोह चित्र व आवर्धन, जी हाँ दोस्तों, क्षमता की गणना, हंगेस के सिद्धांत व अपरिवर्तन व परिवर्तन की संख्या, क्रिस्चॉफ, जी हाँ दोस्तों, क्रिस्चॉफ का नियम व उपयोग, प्रतिरोध की गणना, देख सकते हैं बायो सावर्त का नियम, उपयोग, प्रत्यावर्ती, देख सकते हैं धारा में वर्गमूल, LC, जी हाँ दोस्तों, LCR, परिपथ, बोर का नियम, प्रकाश, विद्युत प्रभाव व नाभिक की संरचना का अध्ययन किया गया। ये आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। परीक्षा का पैटर्न, कुल अंक 100 अंक का, देख सकते हैं यहाँ पर संदिग्ध परीक्षा 70 अंक का होगा, ठीक है, और प्रायोगिक परीक्षा 30 अंक का होगा। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है सब स्टूडेंट्स के लिए। और देख सकते हैं सैद्धांतिक परीक्षा का आवंटन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 35 अंक के 35 सवाल जवाब देने हैं आप लोगों को। वहीं लघु उत्तरीय प्रश्न का 2-2 अंक के 20 अंकों के 10 प्रश्न का जवाब देना होगा। उत्तर देने के शब्द में सीमा 30 से 60 है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 5-5 अंकों के 15 अंक के 3 प्रश्न का जवाब देना है। उत्तर देने की शब्द सीमा 150 से 200 करीब में है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन। प्रायोगिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, 1 प्रयोग 12 अंक, 1 प्रदर्शन 8 अंक, मौखिक प्रश्नों, देख सकते हैं प्रश्नोत्तरी 5 अंक आप लोगों के लिए। दोस्तों, सतत प्रायोगिक कॉपी 5 अंक। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा, वीडियो को एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा कि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, ठीक है। और किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जानकारी चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो बिहार बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग, अगर जो 2020 में फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं, सेकेंड डिवीजन यानी ST ST के जो लोग विलंब करते हैं, और जो फर्स्ट डिवीजन से
चाहे किसी भी जाति वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मतलब छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, जाके साइबर कैप के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ये बड़ी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो छात्र सभी लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।